अनिरी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस खतरों के खिलाड़ी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो सबसे पहले बताइए कि क्या प्लान्स है और कैसे अप्रोच हुआ आपको, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं हमें कि क्या रिएक्शन था जब आपको अप्रोच किया गया और हाँ कहने की क्या वजह थी। मुझे खतरों पिछले 2 सीजन से ऑफर हो रहा है पर कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है। आई फील कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, तो मे बी ये साल वो वक्त है कि मैं खतरों के खिलाड़ी में फाइनली पार्टिसिपेंट करने वाली हूँ। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी थ्रिल्ड। और जब मुझे पता चला कि यू नो फाइनली दिस इज़ गोइंग टू हैपन, फाइनली मैं ये शो कर रही हूँ, तो मिक्स्ड इमोशंस थे। खुशी थी, थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी। और लाइक आई एनी विच वेज लाइक बींग नर्वस बिफोर, मैं नर्वस होना पसंद करती हूँ कुछ चीज़ करने से पहले। तो ये फीलिंग बहुत अच्छी है और होपफुली बहुत मज़ा आएगा खतरों के खिलाड़ी में। और या आपकी तरफ से क्या प्रिपरेशन है, क्या तैयारियां की है आपने? मेरी तरफ से एक्चुअली मैं अभी तक शूट कर रही थी पिछले 2 दिन तक, कल भी शूट कर रही थी, तो मेरे को ऐसे वो फिजिकल प्रिपरेशन करने का वक्त नहीं मिला है। बट आई ऑल्सो बिलीव दैट खतरों इज़ नॉट अबाउट हैविंग सिक्स पैक्स और हैविंग अ मस्कुलर बॉडी, या आपको जिम जाना है और अपनी बॉडी टोन करनी है। मेरे को लगता है कि इट इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ ऑल्सो। तो फिजिकलिटी के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को काम रखूँ और सारी चीज़ें करूँ। अब तक जो है इतने सारे सीजन्स हो चुके हैं, ऐसा कोई कंटेस्टेंट है जिसको मतलब फॉलो करने वाली है आप During your journey? मैं सच बताऊँ तो मैंने ऑफकोर्स खतरों के खिलाड़ी देखा है, पर एवरी कंटेस्टेंट हैज़ अ डिफरेंट थिंग। जैसे धर्मेश थे, फिर तेजस्वी थी, तेजा वॉज देयर, सो या तेजा इज़ अ वेरी बिंदास गर्ल। और हम दोनों में जब हम साथ में शूट भी करते थे, हम बहन का किरदार निभा रहे थे, तो हमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी। तो पता नहीं मैं किसको फॉलो करूंगी किसको नहीं करूंगी। आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक माय ओन मार्क हियर दिस टाइम। राइट। आल्सो हमने देखा है कि बहुत सारे एक्टर्स अपने फियर को ओवरकम करते हैं, तो आपका ऐसा कोई फियर है जो आप अगर हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहे और वहां पे जाके मतलब ओवरकम करने की कोशिश करेंगे आप? ये क्वेश्चन मुझे रोज कोई ना कोई पूछता है, स्पेशली मेरी फैमिली से, कि बेटा देयर इज समथिंग जो आपको जिससे आपको डर लगता है। पर मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता है कि मुझे किस चीज़ से डर लगता है और नहीं लगता है। ये जब मैं केप टाउन जाऊंगी तभी मुझे पता चलेगा, जब मेरे सामने चीज़ें रखी जाएगी तभी ही मुझे पता चलेगा कि क्या मुझे डर लग रहा है या नहीं लग रहा है। बिकॉज आई ऑनेस्टली डोंट नो कि मुझे किस चीज़ से डर लगता है और किस चीज़ से नहीं डर लगता है। बिकॉज मैंने पिछले जब से आई बीन 16-17 ईयर्स ओल्ड आई बीन वर्किंग, तो मैंने कोई एडवेंचर नहीं किया है लाइफ में। तो मैं ये शो एक एडवेंचर करने के लिए जाऊंगी, और जब मैं एडवेंचर करूंगी तो मेरे साथ रोहित सर होंगे जो मुझे गाइड करेंगे, और आई होप कि उनकी गाइडेंस से मैं स्टंट्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकूं और सबको चौंका दूं, क्योंकि आई थिंक आई एम द थिनेस्ट कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ खतरों के खिलाड़ी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। राइट। ऑल्सो रोहित सर जो है कभी कभी मजाक भी करते हैं और कभी कभी प्रैंक्स भी करते हैं, तो उसके लिए कितनी तैयार है आप? हमने देखा है बहुत सारे प्रैंक्स तेजस्वी के साथ भी किए थे उन्होंने, करिश्मा के साथ भी किए थे, तो आप उसके लिए कितनी रेडी है, क्या मेंटली प्रिपेयर होके जाने वाली है या फिर गो विद द फ्लो? आई एम एनी विच इज अ पर्सन हु गोज विद द फ्लो, तो आई लाइक टू टेक थिंग्स एट इट एज इट कम्स टू यू। तो वहाँ जाके देखेंगे कि सर कितनी मस्ती करते हैं हमारे साथ और हम भी कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और कितना मजा करते हैं। राइट। ऑल्सो इस जर्नी को लेके कोई अगर चीज़ अगर ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहें, क्योंकि अभी बहुत दिनों तक आपका इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा ऑडियंस के साथ, तो क्या शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ कि आपको सपोर्ट करें? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मुझे सपोर्ट प्लीज़ करना और प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मैं सारे स्टंट्स परफॉर्म करूँ और उसे कम्प्लीट करूँ। जीतू या ना जीतू वो तो वहाँ जाके पता चलेगा, पर प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी को निराश ना करूँ और आई कम आउट एज अ इवन बेटर पर्सन। राइट। ऑल्सो बहुत सारे कंटेस्टेंट आने वाले हैं,
तो क्या आपको पता है कि कौन से कंटेस्टेंट आने वाले और किसको आप कॉम्पिटिशन मानती है? अगर मैं कंपटीशन अपने आप को सबसे ज़्यादा मानती हूँ, तो अगर मैं वहाँ पर जाकर स्टंट कंप्लीट भी कर लूँगी ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और ऐसा कोई कंटेस्टेंट है जिसके साथ मतलब एक्साइटेड है आप जाने के लिए? आई डोंट नो एनीबडी पर्सनली मैंने कभी किसी के साथ बहुत चिल नहीं किया है, बट ऑफकोर्स आई नो श्रुति, आई नो मोहित, आई नो हु एल्स, आई नो, या दैट्स ऑल आई थिंक फॉर नाउ, पर मैं वहाँ जाके आई एम श्योर कि मैं बहुत सारे दोस्त बना लूँगी। थैंक यू, थैंक यू। अरे हम लोग का कलर खराब हो रहा है हासिम। अरे हासिम तुम्हारा हो जाए तो बताना। विशाल